नेक्स्ट जो हमारे पास परफॉर्मर है, हमने थोड़ी देर पहले बल्ती गाना सुना, उसके बाद शिना गाना सुना, अब पैराडाइज ऑन द अर्थ हुंजा की बात करेंगे, या हुंजा में बोली जाने वाली उस जबान जिसको पुरुषिस्की कहा जाता है, तो उसकी बात करेंगे। तो आपकी भरपूर तालियों में एक यंग टैलेंट को आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, जिनका रेडियो से बहुत पुराना ताल्लुक है, FM 93 पर, FM 99 पर, FM 89.4 पे ये काम करते रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में नेशनली और इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस भी दे चुके हैं, और इंशाल्लाह इनका टैलेंट इस बात की गवाही देगा। तो आपकी भरपूर तालियों में हम दावत देने जा रहे हैं ज़ुहैब आलम, जो कि ब्रिटिश की मकान में आएंगे। जितने भी मौजूद सहमान यहाँ पे बैठे हैं, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और ये लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर आज ये जो खूबसूरत तकरीब यहाँ पे रखी गई है, और ये गिलगित बल्तिस्तान के जो रंग है वो आप यहाँ पे देखेंगे, और जितने भी मौजूद मेहमान यहाँ पे बैठे हैं, पंजाब से आप लोगों का ताल्लुक है, बेशक आप लोगों की ये जुबान समझ नहीं आएगी, लेकिन आप लोगों की कंट्रीब्यूशन तालियों के साथ, हमारी हौसला अफजाई के साथ आप लोग करेंगे, ताकि हमें पता चले कि आप लोग कितना प्यार करते हैं, हम भी आप लोगों का ही हिस्सा हैं, और हम भी इस वतन अजीज से बहुत मोहब्बत करते हैं। थैंक यू। Oh.
तो ज़ुहेब की परफॉर्मेंस कैसी लगी आप लोगों को? नहीं, तालियों की कमी थी, जितना शोर गाने में बज रहा था उससे कम तालियां बजी हैं। मुझे लगता है थोड़ी सी आवाज आप लोगों तक शायद नहीं आई। जी ज़ुहेब की परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।